फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं एक फ्रेंक वीडियो बनाने जा रही हूँ अपनी छोटी सिस्टर के साथ। तो आप सबसे बस ये एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो उसके साथ आज मैं फ्रेंक करने वाली हूँ और उसको कुछ भी नहीं पता है। तो आप लोग देखना, वो ना बहुत ही रोंदू टाइप की है, तो होना हो वो तुरंत रोना भी कहीं स्टार्ट ना कर दें। तो अगर ज़्यादा कुछ हो रहा तो मैं वीडियो को वहीं पे स्टॉप कर दूंगी, लेकिन आप सब देखना। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं सब्सक्राइब बोलने लगी इसके लिए सॉरी। सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगता है ये भी बताइएगा कमेंट करके। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, वीडियो में कुछ भी गड़बड़ होता हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप सब अगर हमें छोटी छोटी गलतियां हमें बताएंगे तभी तो हम गलतियों को अपना सुधार पाएंगे कि हाँ हमसे ये गलती हो रही। तो प्लीज़ आप सब ये ज़रूर करना। तो अभी मैं पहले कैमरा को यहाँ पर सेट कर दूँगी, फिर उसको बुलाऊँगी और देखिएगा उसकी एक्सप्रेशन, देखिएगा कि वो कैसे रिएक्ट करती है। ठीक है, तो चलिए अभी उसको बुलाते हैं। पहले कैमरा को यहाँ पे सेट कर देते हैं ताकि उसे कैमरा दिखे नहीं। और आज तो बहुत ही मज़ा आने वाला है उसके साथ प्रैंक करके। मैं देखती हूँ उसका रिएक्शन, आप लोग भी देखना कि उसका रिएक्शन कैसा होता है। चलिए उसको बुलाते हैं, पहले कैमरा को यहाँ सेट कर देते हैं, छुपा देते हैं ताकि उसको ना दिखे। उसको बुला, अभी मैं जा रही हूँ उसको बुलाने। और उसके लिए पहले मुझे अपने चेहरे की जो स्माइल है उसे एकदम हटा के एकदम सीरियस हो जाना है। मुनी 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 मुझे हो गई, मम्मी बुला दे, इधर आओ, क्या कर रही है, कब से बुला रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है, एक बार बुलाने से कुछ सुनाई नहीं देता है, क्या बोला जा रहा है, नहीं दिया, क्यों नहीं आई थी, आए ना अभी तो आ गए ना, कर क्या रही थी, कब से आवाज दिया जा रहा है तुमको चाय बनाने के लिए, बना इंस्टा में घुसी रहेगी, दिन भर मोबाइल में घुसी रहेगी, कोई तो काम कर लिया करो, ये कौन सा टाइम है चाय पीने का। अच्छा तो अब तुम बताओगी हमें कब हमें चाय पीना है, नहीं पीना है। अभी तो वो गई है किचन में चाय बनाने के लिए, लेकिन वो क्या कर रही है अभी वो देखते हैं, जाके वो कर क्या रही है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि वो जाके मतलब तुरंत जाके वो चाय रख दी होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। सच में बताएं तो वो रियल में भी अगर उसको ऐसे भी बोला जाए ना काम करने के लिए, अगर उसे काम आप 10 बार बुलाओगे ना तो वो एक बार सुनती है। 5 मिनट का जो काम होता है उससे अगर आप बोलते जाओ तो कर रहे हैं करके वो 5 मिनट के काम को आधा घंटा तो कम से कम वो लगाने ही मरी है। तुमको भी नहीं समझ में आ रहा है, इधर देखो, तुमको भी समझ में नहीं आ रहा है, अभी डांटे हैं ना मौसी को, चाय बना रही मौसी, जाके देखो पहले क्या कर रही है। अपने दुपट्टे में छुपा कर लेके जा रही हूँ और देखना बैक कैमरे करके मैं दिखाती हूँ आप सबको कि वो क्या कर रही है। और अभी मैं आप सबको ना उसके सामने कैमरा दिखाऊंगी और उसको देखना वो दिखा रही हूँ कि वो कर क्या रही है। अभी बोली है ना वो जाके मेरी बेटी भी चाय बनाने के लिए, फिर भी वो उसको जाकर उससे बात कर रही है। बन गया चाय, बन गया चाय, बन रहा है चाय, बन रहा है कहाँ चाय बन रहा है, ये देखिए आप लोग, ये देखिए चाय बन रहा है, देखिए आप सब यहाँ देखिए, रुको पहले ऑन है स्विच, देखिए बन रही है चाय, तो कोई चाय बनाता है,
बनने दो, नहीं बनाना चाहे छोड़ दो, रखो रखो उसको रखो। कोई जरूरत नहीं है, मैं पीने आया हमको चाय। वो तो अब तुम भी इसी के साथ, और तुम दोनों को बताती हूँ, रुक जाओ। वो तो नहीं सॉरी, नहीं समझ में आया तुम्हारे। हाँ वो तो जल्दी आओ जा, और वो बैठ के वैसे पास जल्दी नहीं समझ में आया। क्या बोले हैं, कुछ बोले हैं तुमको? कुछ बोली हूँ उधर छुपने से क्या, चले यहाँ बैठो पढ़ो। इसे लिखो और लिख कर हमको दिखाओ, देखते हैं तुमको कितना लिखने आता है। जो जो आता है वो सब लिखो। क्या हुआ पेंसिल? उसे किस पे लिखेगी? इस पे, इस पे पेंसिल से लिखेगी। कॉपी क्या हुआ? इस पे लिखने वाला पेंसिल क्या हुआ? तुम्हारा ही दिखाई दे रहा है। मोर का चूना पढ़ाई पे इतना एकदम कुछ नहीं समझ में, कुछ समझ में नहीं आता है। दोनों को उर्दू बना रहे थे, दोनों
मैंने एक पहना था बस अपने वीडियो के लिए। हम लोग को डांटूंगे नहीं, ये तभी तो मजा आएगा। सॉरी बच्चों, हम लोग के पास आ जाओ। आप सभी को मैं अपने बेटा को अपने छोड़ा मोड़ा को रुला दी, माफ कर दोगी मम्मा को? नहीं, प्यार कर लो मम्मा को एक बार। नहीं बेटा, आपसे नहीं डांटूंगी। सबको बोल दो पहले हेलो। हेलो बोल दो, सब्सक्राइब कर लीजिए। डांट के वीडियो बनाती रहेगी। नहीं, आपसे नहीं डांटूंगी, आपसे नहीं डांटूंगी, आपसे अपने बेटा को सिर्फ प्यार करूंगी और दोनों को उल्लू बनाने के लिए सॉरी। लेकिन वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, आप लोग पूरा देखना। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और प्लीज एक आध वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने फैमिली वालों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ। ओके, तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो करते हैं एंड और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और अपना मोबाइल लो, जो देखना है देखो। और अब हम जा रहे हैं सोने क्योंकि हमारा तो काम हो गया। देखिए मोबाइल मिलती है, दोनों फिर से अपना रंग स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब ये दोनों ना नागिन है, नागिन अपना रंग बदलती। अभी दोनों को मुँह सूज गया था और मेरा बेटा तो रो भी दिया, उसको लगा कि मम्मा सच में गुस्साई है, तो ये तो रो भी दिया। इसके लिए सॉरी। इधर आ जाकर तो आप चलिए, आप सबको बाय बाय।